Namaste. Today I'm going to give you one magic mantra. ये मंत्रा की कहानी ऐसी है, ऐसे ही एक डाउनलोड में मुझे ये मंत्रा आया. मैंने दादाश्री जी को एक हमारे मीटिंग में बोला कि ऐसे ऐसे ये मंत्रा आया है, उसको आप मुझे एनर्जाइज करके दीजिए ताकि लोगों को उसका उपयोग पड़े. हर मंत्रा संस्कृत में नहीं होना चाहिए, कोई भी संस्कृत में वगैरह मंत्रास होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते. दीज आर सिंपल वर्ड्स. आई पता नहीं मुझे किस तरह से ये डाउनलोड आ गया, लेकिन ये आ गया. यू मे कॉल इट स्विच वर्ड्स बट दे आर नॉट स्विच वर्ड्स. इट्स अ कंप्लीट प्रॉपर मीनिंग टू दैट होल मंत्रा विच आई विल टेल यू. अभी बोलती हूँ. तो दादाश्री जी ने बोला कि दो बार ये मंत्र मेरे सामने बोलो, वो एनर्जाइज हो जाएगा. तो ये मंत्र मैंने काफ़ी लोगों को दिया है. इनफैक्ट बहुत पहले मैंने इसका वीडियो बनाया भी था, लेकिन ये फिर से मैं बना रही हूँ वीडियो. तो ये मंत्र ऐसा है, अभी ये इंग्लिश में मुझे वर्ड्स आए हैं, मैं इंग्लिश में मैंने किया है. बहुत सारे लोगों ने तब वो हिंदी और मराठी में भी उसका अनुवाद किया था जो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता. अगर आप हिंदी या मराठी में अनुवाद इसका करना चाहते हैं और अगर आपको हो सकता है तो प्लीज़ डू इट. मुझे भी भेज दीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा हेल्प होगा. तो ये मंत्र ऐसे जाता है, डे एंड नाइट गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, All with the universe, choose and allow. अभी इसको हम ब्रेक करते हैं. पहले वर्ड्स हैं डे एंड नाइट, मतलब दिन रात लगातार ये चीज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? डे एंड नाइट. गिव एंड रिसीव. मैंने कई ऐसे वीडियोस में कई बार ये बोला है, ये पूरी धरती जो है, ये पूरी सृष्टि जो है, वो गिव एंड रिसीव, लेना और देना, इन दो पहियों पे ही चलती है. जब तक आप देते नहीं, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, सांस, ब्रेथ. हम सांस सिर्फ ले नहीं सकते हैं ना, अंदर सांसें हम सिर्फ ले नहीं सकते, सांसों को हमें एक्सहेल भी करना पड़ता है, उनको देना भी पड़ता है, राइट. सिर्फ सांस लेते रहे हम जीवित नहीं रह सकते. एक्सहेल करना पड़ता है, तब वो ब्रीदिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो पूरी सृष्टि में यह नियम है, हर चीज में गिव एंड रिसीव इज द फॉर्मूला टू लिव. सो डे एंड नाइट गिव एंड रिसीव. आप दीजिए, आप रिसीव करेंगे. आप हेट्रेड देंगे, हेट्रेड रिसीव करेंगे. आप लव देंगे, आप लव रिसीव करेंगे. कोई भी चीज हो, इसके रेफरेंस में आप मेरा गिव एंड रिसीव वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आप लोग एग्जैक्टली समझ में आएगा व्हाट इट मींस बाय गिव एंड रिसीव. सो डे एंड नाइट गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. हर चीज जो सृष्टि में है वो बनती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है और बिखर जाती है. क्रिएट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये नियम है. हम क्रिएट हो गए, मतलब जन्म लिया, किसी ना किसी दिन हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे. ये नियति है. कुछ भी हो, पेड़ हो, पक्षी हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, हर चीज खत्म हो जाती है. तो चीज जितनी क्रिएट होती है, जितनी बनती है नहीं, उतनी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है. सो अगेन, डे एंड नाइट गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट लाइन इज ऑल विद द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को, सृष्टि को, नियति को साक्षी रख के, विटनेस रख के. ऑल विद द यूनिवर्स मतलब नियति को, सृष्टि को आप साक्षी रखें, उनको निवेदन कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए. ऑल विद द यूनिवर्स मतलब उनकी साक्षी से ये सारी चीज़ें होती है, नियति की साक्षी से ये सारी चीज़ें होती है. नियति का ये प्रमाण है, नियति का ये नियम है. क्या नियम है? डे एंड नाइट गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. ऑल विद द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स से आया हुआ प्रमाण है. फिर आपको चूज एंड अलाउ, फिर आपको चूज करना है, आपको उसमें से चूज करना है. एंड देन अलाउ मतलब सरेंडर करना है, जो होना है हो जाए. आप क्या चूज करेंगे? चलो किसी को बीमारी है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, ये चीज आप चूज करेंगे. मुझे ये चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्त होना है, मुझे ये चैलेंज को ओवरकम करना है. चूज एंड देन अलाव. अलाव इज टू
let go, allow is to let the divine will prevail. वो सरेंडर, शरणागति की भावना आनी चाहिए. फिर जो वो ऊपर वाला करेगा उससे मैं सहमत हूँ, ये चीज आनी चाहिए. सो इट इज डे एंड नाइट, गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ऑल विद द यूनिवर्स, चूज एंड अलाउ. ये मंत्र के शब्द हैं. ये अपने आप मुझे कहाँ से आया, कैसे आया मुझे नहीं पता. मैंने लिख के रखा था और मैं ये चाहती थी कि सभी को ये मिले, ताकि ये सिंपल वर्ड्स हैं, हम समझ सकते हैं इनको. संस्कृत के जो अपने श्लोकाज हैं या मंत्राज हैं, हम समझते नहीं हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं. तो कोई भी मंत्रा ऐसे भी बोलने से, लाइक महामृत्युंजय जाप है, गायत्री जाप है, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः है, कोई भी, ये उसका मतलब ना जानते हुए भी जब हम उसका जाप करते हैं तो भी उसका प्रमाण हमको मालूम है क्या होता है. फिर भी प्रमाण तो कुछ तो होता ही है, यू डू बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट. लेकिन जब आप उसका मीनिंग जानते हैं, अर्थ जानते हैं, तो फिर भाव आ जाता है, इमोशन आ जाता है. इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, इमोशन नहीं आता, तो फिर हम रखते हैं ऐसे यूं ही. बट भाव के साथ आप कोई भी मंत्र बोलें तो उसका उसका रिएक्शन या उसका परिणाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज द भाव कम्स इन बिटवीन, द इमोशन कम्स इन बिटवीन, द फीलिंग कम्स इन बिटवीन, करेक्ट. सो ये मंत्र मुझे ऐसे चाहिए था, कोई भी सिंपल सा कुछ हो जो लोगों को बहुत सारा याद नहीं करना हो, फटाफट याद हो जाए और उनका काम हो जाए. आई वॉज जस्ट प्रेइंग वंस व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग, तो ये सारी चीज़ें, ये वर्ड्स आ गए थे, उल्टे सुलटे आ गए थे, मुझे उसका मीनिंग करना पड़ा, उसका डिकोडिंग करना पड़ा, फिर ये पूरा मंत्र मेरे सामने आ गया. डे एंड नाइट, गिव एंड रिसीव, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ऑल विद द यूनिवर्स, चूज एंड अलाउ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंत्र, आप ट्राई करके देखिए. अभी ऐसे इसको कैसे और कब बोलना है वो कभी भी बोल सकते हैं आप, दिन भर भी इसका रट्टा मारते रहेंगे, नो प्रॉब्लम. अगर आप चाहें तो आप इसको 21 बार बोल सकते हैं, चाहें तो उसको 108 बार. इसके लिए कोई बंधन नहीं है, ऐसे नहीं कि रात को नहीं बोलना चाहिए, दिन को नहीं बोलना चाहिए, कहीं कहीं इसको कोई भी बंधन नहीं है. कभी भी किसी भी वक्त आप उसको बोले, कभी भी किसी भी वक्त, कोई भी बंधन नहीं है कि नहा के आना चाहिए, ये करना, पूजा पूजा, नथिंग एट ऑल. इट इज एब्सोल्यूटली डन एट एनी टाइम, एनी वेयर, एनी टाइम. बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मंत्र, उसका मतलब हमको समझ में आता है. जस्ट इफ यू नो इसका मतलब समझ में आएगा. इट्स अ वेरी सिंपल मंत्र जो आत्मसात करने में भी बड़ा सिंपल है, एंड इसके परिणाम बहुत बढ़िया मिले हैं मुझे. लास्ट टाइम भी मैंने जब उसको यूट्यूब पे डाला था तो बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे. तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड, लॉन्ग टाइम बैक मैंने किया था, वो अभी मैंने निकाल दिया है. इसके लिए मैं फिर से ये मंत्र आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर उसके बारे में बताइए ये क्या है, कैसा आपको लगा, या इसका जो भी परिणाम होता है प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड लव टू नो कि अभी भी वो मंत्र जागृत है, ये मुझे प्रमाण मिलेगा इसका. ओके, थैंक यू सो मच, एन्जॉय द मंत्रा.